प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए एनआरआई इंदौर के आदित्य से काफी खुश हैं। बाहर से आए मेहमान इंदौर के खाने के साथ साथ इंदौर के स्वच्छता का भी आनंद ले रहे हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हो रहे भारतीय प्रवासी सम्मेलन के दौरान दुबई से आए एनआरआई से हमारी सहयोगी ऐश्वर्या द्विवेदी ने चर्चा की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हम मौजूद है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के एक ऐसी जगह पर जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है और हमारे साथ एक एनआरआई मौजूद है। आइए उनसे ही उनका परिचय जानते हैं और सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जी बताएं। सो नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम नितिन सारडा है, मैं यूएई से आया हूँ, अबूधाबी में रहता हूँ। पिछले 15 सालों से मैं अबूधाबी में हूँ और वहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के रूप में कार्य करता हूँ। वहाँ का लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी एतिसलात ग्रुप है, जो पिछले कई सालों से वर्ल्ड की टॉप 5 टेलीकॉम कंपनीज में शुमार होता है और मैं वहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के रूप में कार्य करता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएं, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त, अद्भुत, अलौकिक। इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ, बहुत मुश्किल थी लेकिन यहाँ जो अरेंजमेंट हुआ है वो शानदार है। इसके पहले भी मैंने प्रवासी भारतीय दिवस अटेंड किए हैं लेकिन जो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने इंदौर में की हैं वो कई गुना बेहतर हैं और आई कैन से न भूतो न भविष्यति। इंदौरी जायके का, यहाँ इंदौरी खाने के में जो जायका है उसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में यहाँ के खाने की बात की, तो यहाँ का खाना आपको कैसा लगा? बहुत शानदार, और ऐसा लगा कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। मतलब काफ़ी मुश्किल आ रही थी ये डिसाइड करने में कि क्या खाया जाए और क्या छोड़ा जाए, और आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। यहाँ पर तो मानना पड़ेगा कि इंदौर वाले अपनी मेज़बानी में, अपने स्वाद में भी एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुके हैं जिसको छूना, जिसको हासिल करना किसी और के लिए बहुत मुश्किल होगा। आप हमारे दर्शकों को, शासन प्रशासन को कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, NRIs एक ऐसा सेगमेंट है जिसको काफ़ी एक्सप्लोर किया जा सकता है। NRIs इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, NRIs का काफ़ी स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। अगर उनको एक अच्छा माहौल, व्यवस्थित माहौल, एक व्यवस्था दी जाए, गुड लॉ एंड ऑर्डर, कोई प्रॉपर्टीज़ के इशू नहीं हो, तो NRIs इस देश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि NRIs के थ्रू वो अपनी कंपनीज़ को, जो बाहर की कंपनीज़ हैं, उनको भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो एक फोकस रख करके NRIs के लिए और उन पर एक ध्यान दे, तो उस कंडीशन में मैं NRIs के इन्वेस्टमेंट की काफ़ी अपार संभावनाएं यहाँ पर देखता हूँ। आप देख सकते हैं जो NRIs हैं और कितने खुश हैं, और इन्होंने संदेश भी दिया है अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, सरकार को कि कैसा होना चाहिए और क्या सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मैं आपके साथ ऐश्वर्या द्विवेदी, कैमरामैन गौतम सरदार के साथ।